हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिवर्सिटी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज जो हमारी कॉल वीडियो इंडियन इकोनॉमी की चैप्टर नंबर 10 और उसका पार्ट सेकंड। अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट को नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट को आपने नहीं देखा है, तो फाइनली आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, देन आप इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि सबसे इससे होगा क्योंकि आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, जिसमें आपको कोई समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो ये बेसिकली मैं आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें चार डेफिनेशन को क्लियर करना है और जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हमें समझना है, इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि बेरोजगार मतलब जैसे श्रमिक वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, नियमित मतलब भाड़े के मजदूर वगैरह क्या होते हैं, और फिर आपका दूसरा अनियमित मजदूर क्या होते हैं, नियमित मजदूर। अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए और जाके उस चीज़ को देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले छोटे छोटे डेफिनेशन को बात करेंगे। पहला जो हमारा है, श्रम आपूर्ति क्या होती है, सिंपल से समझना है। श्रम आपूर्ति, श्रम आपूर्ति का सिंपल सा मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको साधारण शब्द बताऊं तो, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, अगर वो किसी कंपनी में कार्य करता है तो उसके द्वारा जितने घंटे कार्य किया जाता है, जितने घंटे मेहनत करता है, उसी को श्रम आपूर्ति कहते हैं। ये हम कह सकते हैं साधारण भाषा में। लेकिन अगर हम एक बुक के हिसाब से चले, बुक के लैंग्वेज को लेके चले, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों द्वारा दिए गए श्रम को श्रम आपूर्ति कहते हैं। सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, तो जॉब करने के दौरान वो जो अगर 6 घंटे की 8 घंटे की 12 घंटे की या फिर 16 घंटे की अगर जॉब करता है, तो उसका जितना भी टाइम वो जॉब में देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, श्रम आपूर्ति। क्यों? क्योंकि वो जहां पर टाइम देगा, कौन से लेगा, प्रोडक्शन एरिया होगा, मतलब उत्पादन प्रक्रिया होगी, तो इसी को क्या श्रम आपूर्ति। और नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं, श्रम बल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे देश में लगभग आज के समय ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्लस काम करने के इच्छुक हैं और काम करने के मतलब वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं। तो श्रम आपका श्रम बल का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं यहाँ पर श्रम बल से अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में काम कर रहे हैं तथा काम करने के इच्छुक हैं। मतलब कि सिंपल सी बात करूं मैं, देखो सीधी सी बात है कि अगर मानते कि 20 लोग हैं, ठीक, 20 लोगों के लोग एक साथ है, ठीक है, अब 20 लोगों में से क्या है कि जो 10 व्यक्ति वो एक्चुअल रूप में मतलब वास्तव रूप से काम करते हैं, ठीक है, दूसरा कि 10 व्यक्ति वो बस कह रहे कि हम काम करेंगे या फिर हम काम करना चाहते हैं, तो दोनों का सम कर लोगे, दोनों को टोटल कर लोगे, तो उसे हम कहेंगे, उसे हम श्रम बल कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कि दोनों लोग इंक्लूड होते हैं, कि जो व्यक्ति एक्चुअल में काम करता है वो प्लस में जो व्यक्ति काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसे हम कहेंगे उसको श्रम बल। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा है कार्यबल क्या होता है। कार्यबल इसका सीधा सा अपोजिट, मान लेते हैं कि टोटल इतने 20 लोग हैं, तो उसमें से 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 10 व्यक्ति काम करने के इच्छुक हैं, तो जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड है उनको हटा के जो एक्चुअल में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उन 10 लोगों को हम क्या कहेंगे, कार्यबल। सिंपल, कार्यबल से अभिप्राय उन श्रमिकों से है जो वास्तव में कार्य करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में जो वास्तव में चीजें करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक, कहा होगा आपने कभी कभी, तो आप उस किस में आ जाओगे, आप उसमें श्रम बल में आओगे। लेकिन अगर आप करोगे मैं ये जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं ये जॉब कई सालों से कर रहा हूँ, तो आप किस में आ जाओगे, कार्य बल में। समझ में आ रही है? दूसरा हमारा जो है सहभागिता दर क्या, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। सिंपल तो समझना, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब कुल कार्यबल तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को सहभागिता दर कहते हैं। मतलब कि जो रेशियो होता है किसका, मतलब जो कार्यबल होता है, वर्कफोर्स हो गया, और दूसरा क्या है, पार्टी जो आपका पॉपुलेशन, ठीक है, इनके टोटल इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो को हम क्या कहते हैं, सहभागिता। आप इसको उसके फॉर्मूले से या इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सहभागिता दर बराबर में क्या होगा, आपका कुल कार्यबल बटे में आपका कुल जनसंख्या इंटू में 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, सहभागिता दर, मतलब कितने लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, और प्लस में आप इन चीजों को आप कंटिन्यूसली देखिए, ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम के समय में बिल्कुल प्रिपरेशन बिल्कुल डन हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।